लॉकडाउन के दौरान चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम देने वाले एक आरोपी को नीलगंगा थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। उज्जैन पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह द्वारा अपराधों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना नीलगंगा पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। यहाँ सिटी एडिशनल SP रूपेश त्रिपेदी के निर्देशन में थाना नीलगंगा पुलिस ने चोरी की एक बड़ी वारदात का खुलासा किया। दरअसल लॉकडाउन के दौरान 29 मार्च को दन्नालाल की चाल के पास सुने मकान में चोरी की वारदात हुई थी। यहाँ 12 बोर की बंदूक, 13 कारतूस, एक LED TV, 20,000 रुपए नकदी, चांदी के सिक्के, 2 गैस की टंकी, 3 दीवार घड़ी, पंखा व घरेलू सामान चोरी होना बताया गया था। पुलिस ने मामला दर्ज कर पड़ताल शुरू कर दी। मुखबिर से सूचना प्राप्त कर पुलिस ने दन्नालाल की चाल में रहने वाले विशाल पवार को गिरफ्तार किया और कड़ी पूछताछ करने पर चोरी हुआ माल भी बरामद कर लिया है। यहाँ CSP डॉक्टर रजनीश कश्यप के नेतृत्व में नीलगंगा थाना प्रभारी व टीम ने वारदात का खुलासा किया। अभी कल सूचना मिली कि एक चोर जो है संदिग्ध उसके यहाँ पर ये चोरी का सामान हो सकता है, तो सूचना पर थाना नीलगंगा की पूरी टीम और हमारे CSP थाना प्रभारी सभी लोगों ने इसमें बहुत अच्छा वर्कआउट किया, आरोपी को पकड़ा और आरोपी के पास से सारी सामग्री जब्त की, जिसके पास से 2 नाली बंदूक, 13 उसके जो कार्टेज हैं राउंड वो जब्त किए, घरेलू सामग्रियां जो है जिसमें कि बर्तन है, मिक्सी है, LCD TV है, इस तरह की जितनी भी चीज़ें थी वो सब लेके गया था, वो भी जब्त किया। कुछ चांदी के सिक्के थे, कुछ कटोरियां थी चांदी की, वो सारी चीज़ें जब्त की गई। ये जो व्यक्ति है पुराना आपराधिक रिकॉर्ड का व्यक्ति है, पहले 2 टोनी बंद हो चुका है और थाना रिंग की वजह से बहुत ही अच्छा काम किया है।